This video is brought to you in association with Zach's Yard, Pakistan's favorite premium nut butter brand. और ये रहा हमारा promo code. In case you decide to treat your taste buds. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel and good morning from Buni. पहाड़ों में बसा हुआ एक खूबसूरत सा small town. बूनी में आज हमारी दूसरी सुबह है. परसों हम यहाँ पहुंचे थे और कल हमने बूनी और काकलेश एक्सप्लोर किया. वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा, यू मस्ट वॉच इट, द मोस्ट रीसेंट व्लॉग. दैट फॉर श्योर इज वन ऑफ द ऑल टाइम बेस्ट वीडियोस ऑन द चैनल. तो खैर, कल की तरह आज भी मैंने सुबह छोटी मोटी चहलकदमी से दिन शुरू किया. और बिकॉज जो बूनी की विलेज लाइफ है, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स वो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ. ये है इंसाफ भाई का घोड़ा, परिजाद इसका नाम है. पहले वाला घोड़ा था गेम राज, जिस पे मैंने और उसने ने राइड भी की थी. विंटर में इनका रेस्ट टाइम होता है. दिस हॉर्स विच इज़ टेम्ड एंड ट्रेंड फॉर स्पोर्ट्स पोलो का ये प्लेयर है. तो इसको आप समझें कि ये फाइटर जेट वाली फील देगा आपको घोड़ों के अंदर ना, लड़ने के लिए निकलता है. और अभी इसको निकाला थोड़ी देर बाद अंदर से, तो ये बाहर अपना ज़रा ना वो लेटियाँ लेट रहा है. और जिस तरह हम लोग सो के उठते हैं, करवटे लेते हैं, रिलैक्स होते हैं. साफ भाई जो है प्रोफेशनल पोलो प्लेयर है. मैंने अभी तक उनके पास जितनी दफ़ा आया हूँ पोलो खेलते हुए नहीं देख सका. ये बस बाय लक मैच नहीं किया. इंसाफ भाई, इसको कितनी देर हुई है? और इसको समझाने में कितना टाइम लगा आपको? कितने दिनों बाद इसको बाहर निकाला है? पाँच दिन बाद निकाला जी. इस दफा मौसम अच्छा है ना, ये इससे इसकी सारी थकावट दूर हो जाती है. ए ये मेरी छोटी बेटी है. ये वाली जी? अच्छा, बड़ी बेटी है. अच्छा, माशाल्लाह. दो बेटियां आपकी जी? नाम क्या? अस्सलाम वालेकुम. इसका नाम फातिमा है, इसका नाम खुशी है. अस्सलाम वालेकुम. मेरे साथ पहले क्या वाला वो दरख्त है जिसमें हम समर में ट्रिप पे आके नीचे लेट नहीं गए थे सारी रात ड्राइव करने के बाद. ये 130 साल पुराना दरख्त है. और इंसाफ भाई ने दिखाया कि ये चेक करो आप ज़रा, ये जो सी चीज़ है, ये नेचुरली एक ट्रॉफी हेड नहीं बना हुआ जैसे सामने मार्क हो रहा है. ये ऐसा लग रहा है किसी याक का है, बड़े का. इसको वो तराश के कह रहे हैं कि इसको प्रॉपर बना देंगे. तो ऐसा सीन है कि 12 बज गए, टाइगर आप देख रहे हैं कि स्टार्ट है. डायरेक्टली मुझे यहाँ से निकल कर जाना है फैसलाबाद. और यानी कि फ़िलहाल टूर ऐसा है कि हम चित्राल एग्ज़िट करेंगे और जा रहे हैं फैसलाबाद. और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा डैट आई एम नॉट श्योर अबाउट. बट छोटा टूर था चित्राल का,
सिर्फ हाथ ही लगे तो मुलाकात हुई है, लेकिन चित्राल के साथ बैठ के गप्पे नहीं लग सकें, घुल मिल नहीं सका। तो लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि फ़िलहाल वापस जाना भी ज़रूरी है, और जितना ना आने से तो बेहतर था कि आए। तो वापसी थोड़ी सी स्लो करूँगा, चित्राल टनल से पहले तो स्लो जाऊँगा, टनल के बाद फिर टोटली टेक ऑफ कर देना, फिर स्पीड मारनी है। तो टनल से पहले अगर रास्ते में जहाँ जहाँ दिल करेगा वो स्टॉप मारते रहेंगे। तो इंसाफ भाई से रुख्सत ली और बैठे गाड़ी में जाने के लिए। जाने का दिल तो नहीं था पर जाना तो था, क्योंकि अब आइटनरी का जो नेक्स्ट चैप्टर है साउथ पार्ट वो शुरू करना है। पूरी से निकलने से पहले हर दफ़ा कश्मीर बेकरी पे स्टॉप ले लेता हूँ, और मुझे यहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो गाड़ी में बस अभी भूख तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिला वजह साथ लेके रख लेते हैं, मंचिंग वगैरह करते रहेंगे। सैंडविचेस, नमक पारे, इसमें नमक पारे दो तरह के होते हैं, स्वीट भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, जलेबी भी है, और डोनट्स इनके बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा, ये डोनट आज के ही हैं? ठीक हो गया, बस दो डोनट दे दो। अच्छी बात यह कि आपको ना बता के भाई भी बेचते हैं कि ये चीज़ आज की कल की है, डोनट आज के हैं, सैंडविच जो है वो कल के, लेकिन मैंने फिर भी ले लिए, क्योंकि यहाँ से मैंने जितनी दफ़ा भी कोई चीज़ खाई है ना तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। अब निकलते हुए मैंने सोचा यही था कि अच्छे बच्चों की तरह वापसी पे बस चुपचाप सीधे निकलेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन बूनी से निकलते हुए दिल कह रहा था दिल अभी भरा नहीं, और बूनी का पुल क्रॉस करके जैसे ही मेरा मुँह चित्राल की तरफ हुआ और काकलश राइट साइड पर गुजर रहा था, तो पता नहीं मेरे कानों में क्यों ऐसी मुझे आवाज़ आने लगी कि काकलश मुझे कह रहा है कि वहाँ तू मुझसे मिले बगैर ही चला जाएगा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो ज्यादती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर मोड़ दी गाड़ी एक दफ़ा दोबारा फिर से काकलश्त, और आगे फिर हम वहाँ जहाँ ज़मीन आसमान से, आसमान पहाड़ों से, पहाड़ हमसे और हम सितारों से बातें करते हैं। अगर आपकी एक दो मुलाकातें काकलश्त से थोड़ी तफसीली हो जाए ना, तो ये जुमला आपको हर्फ बहर्फ समझ आ जाएगा, ना सिर्फ समझ आ जाएगा आपके दिल में भी उतर जाएगा। और आप में से जिसने अगर काकलश्त में रात को तारे देखे हैं तो नीचे ज़रा कमेंट्स में गवाही तो दे दें यार। तो दोबारा काकलश्त आके मैंने सोचा ये था कि सिर्फ हाथ लगा के निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं निकला गया, हाथ लगा और लगता ही गया। फिर मैं थोड़ा और आगे चला गया, ड्राइव दोबारा इन्जॉय की। आज स्नो कल से भी कम थी, काफ़ी ज़्यादा पैचेस जो कल नज़र आ रहे थे आज वो मेल्ट हो रहे थे। पिछली वीडियो पे कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि वाह भाई फेब एंड पे और मार्च के फर्स्ट वीक में दोबारा स्नो पड़ी थी, तो यस यू आर राइट, बट मैं उस वक्त सिंध पहुंच चुका था। अब यहाँ पे कोई सूटेबल पैच मिल नहीं रहा था जहाँ पे गाड़ी को थोड़ा सा अनलीश किया जा सकता हो। वैसे यूजुअल ट्रैक अगर ऑफ रोड का करना है वो तो नीचे पत्थर भी अगर आ रहा है तो किया जा सकता है, स्लो स्पीड पे आप कीचड़ में से गुजारते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं जो चीज़ चाह रहा था कि गाड़ी के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड करने के लिए,
वो पैचेस और भी कम हो गए थे क्योंकि उसके लिए कुछ लवाजमात होते हैं। थोड़ा सा मैं ये बातें अगर आपको बोरिंग भी लगे वो इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि कल को बंदा अपनी मशीन पे ऑफ रोड करता है तो हम लोग ज़रा ये काम जिम्मेदारी के साथ करें जहाँ भी करें, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन योर ओन फन एंड देन गेटिंग इनटू इररिस्पॉन्सिबल एलिमेंट और रिस्किंग योर सेफ्टी एज वेल। तो जो भी पैच चाहिए होता है उसमें एक तो स्नो देखनी है कि स्नो खासी ज़्यादा हो, कहीं पे ये ना हो कि स्नो कम है तो टायर स्पिन करेंगे ग्रीन पार्ट नीचे से डैमेज हो। दूसरा फिर जो भी लैंड का पैच है उसके एंगल और उसकी स्लोप्स देखनी है कि गाड़ी कितनी स्पीड से मनूवर करेगी, कहाँ पे फॉल आएगी, कहाँ पे नहीं आएगी, कहाँ पे पत्थर आ सकता है। तो ये सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और लैंड क्रूजर के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे होते हैं, उसमें भी मैं एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड क्रूजर इज़ अ फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव व्हीकल अनलाइक दी अदर कॉमन ऑफ रोड व्हीकल्स यूज इन पाकिस्तान, जैसे प्राडो या हाइलैक्स होता है, उनमें आप ओनली रियर एक्सल टू व्हील ड्राइव के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। वो देखने में तो एक फन पार्ट लगता है कि गाड़ी को आप किक डाउन देते हैं, पीछे से गाड़ी ट्विस्ट करती है, टेल करती है। लैंड क्रूजर वो चीज़ कभी नहीं कर सकती। लैंड क्रूजर के चारों टायर फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव हर वक्त इंगेज रहेगा। उसके अंदर डिफरेंशियल सेटिंग्स और लो हाई ट्रांसफर केस एक अलग चीज़ है, बट लैंड क्रूजर को ड्रिफ्ट करने के लिए, टेल करने के लिए, साइडवेज जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल्स। इसका बेनिफिट ये होता है कि गाड़ी ट्रैक्शन लूज नहीं करती, जो बेस्ट पॉसिबल ड्राइव आपको मिल सकती है स्पेशली ऑफ रोड में वो आप ट्रैक्शन का एज होने की वजह से इंजॉय करते हैं। एंड देन जब आपने गाड़ी पे साइडवेज जाना है या ड्रिफ्ट करते हुए जाना है तो फोर व्हील ड्राइव कार से ज़्यादा खूबसूरत ड्रिफ्ट वैसे मैं समझता हूँ दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। चारों टायर जब गाड़ी के तैर रहे होते हैं एंड द कार इज डांसिंग, दैट्स एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थिंग टू विटनेस। ये स्लोप मुझे एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ मिली थी, यहाँ पे बड़ा फन पार्ट किया जा सकता है कि हाई स्पीड के ऊपर टॉप एंड पे जाके मनूवर करें और सेंटर में गाड़ी को थोड़ा सा लूज छोड़ के फॉल करने दें और वो फिर ड्रिफ्ट फॉल आएगी स्नो स्प्लैश करते हुए, बड़ा प्यारा सीन होना था। लेकिन इसकी डाउनसाइड ये थी कि दरमियान में सारे पत्थर थे, राइट साइड पे ठीक ठाक खाई थी और जिस डायरेक्शन में गाड़ी जाके एंड करती है वहाँ पे भी खाई थी। तो बेसिकली जो मैंने किया इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं था कि स्लोप पे असेंड करते ही ड्रॉप करें और पत्थरों से पहले नीचे होके निकल जाएं, क्योंकि वो पत्थर इतनी खूबसूरती से छुपे हुए थे जैसे वो किसी चॉकलेट बार में नट्स नहीं पड़े होते, जब बाइट करेंगे तो क्रंच आएगा। मैंने सोचा कि यार अब बहुत हो गया, वापस निकलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे पावर स्टीयरिंग ने मुझे एक दो दफ़ा वार्निंग दी कि यार मेरे हालात ठीक नहीं आ रहे, और वो कोई कल की हरकत की वजह से नहीं था। चित्राल एंटर होने से पहले ही मैंने एटीएफ में स्टीयरिंग रैक के नीचे लीकेज स्पॉट हुई थी, अब वो कोई सील का प्रॉब्लम था या रबड़ पार्ट में कोई फॉल्ट था। मैंने उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, एटीएफ टॉप अप कर दिया, मैंने कहा कि अब जा रहा हूँ, जो हो सकता है वो हो सकता है, अब रुक तो सकता नहीं। स्टेयरिंग की जो मामूली गूंज थी वो ATF टॉप अप करने से ठीक हो गई। फिर दो तीन दिन ऐसे गुजरे, कल भी काकलश में ऑफ रोडिंग हुई, आज भी दोबारा चल रही थी। और स्टेयरिंग जो है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है स्नो में ऑफ रोडिंग करते हुए, क्योंकि आपने फौरन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और स्टेयरिंग को इतनी क्विक मनूवरिंग देनी होती है। अब मुझे बताओ मैं कैसे यहाँ से वापस जाऊँ, सारा दिन यहाँ पे गुजारा जा सकता है कि नहीं जा सकता, बल्कि मैं समझता हूँ शायद पूरा हफ्ता। अभी तो काकलश ने हमारे साथ थोड़ी सी हमें वो ड्यू प्रोटोकॉल नहीं दिया जितना मैंने 2 महीने इंतज़ार किया, और स्नो कवर्ड पूरा नहीं हुआ ये, लेकिन चलो जितना मिल गया आई एम एंजॉइंग दैट। वीडियो कैन नॉट डू द जस्टिस के गाड़ी के अंदर बैठ के आईडिया होता है कि स्पीड कितनी है, और फिर उसको ऑब्वियसली मैं एक सेफ़ जोन में रह के ये सारी स्नो बैशिंग कर रहा हूँ,
लिमिट्स पुश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी स्टॉक है और जितना खूबसूरत मेरा इंजन है और सारा जिस तरह से गाड़ी फैक्ट्री फिटिंग में उसको बचाना भी इम्पोर्टेंट है। गाड़ी इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स कर रही है ना, कोई उसको वो कहना कि रेजिस्टेंस आ ही नहीं रही टेरेन की परफॉर्म करने में, लेकिन इसको शूट करना, इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। ये इसके लिए जो है ना मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए और वो इतना टाइम अभी है नहीं। तो आज दोबारा सिग्नल थोड़े से स्टेयरिंग देना शुरू कर दिए कि भाईजान ज़रा स्लो हो जाएं, तबीयत नहीं ठीक। पर मैंने उसे कहा यार ये एक आखिरी काम मैंने करना है, कल जो मैंने ड्रिफ्ट राउंड मारे थे ना उसका मुझे मज़ा नहीं आया, जाते जाते मैंने कोई एक दो अच्छे राउंड मारने हैं। और मैंने इसे सोचा था कि वन गो में कंटिन्यूस ड्रिफ्ट कितनी लंबी कर सकता हूँ ये ज़रा आज अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अभी काम शुरू ही हुआ था कि स्टेयरिंग ने मुँह फेरना शुरू कर दिया। एंड एट दिस पॉइंट ये बिल्कुल साथ छोड़ गया। गाड़ी जब रोकी चेक करने के लिए तो स्नो गाड़ी की हर जगह घुसी हुई थी, गाड़ी के नीचे तो पूरा स्नो का प्लास्टर हुआ हुआ था। उस टाइम मैंने व्लॉग इंटरप्ट कर दिया फिर क्योंकि मेरा फोकस गाड़ी पे था और स्टेयरिंग बिल्कुल काम कर ही नहीं रहा था। अब एग्जैक्टली पता नहीं है कि इस टाइम पे इशू है क्या, स्टेयरिंग जो था वो बिल्कुल लॉक हो गया था और चल नहीं रहा था और हार्ड था बहुत ज़्यादा। पावर ऑयल जो था स्टीयरिंग का वो मैंने चेक किया तो वो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने डाला था। मैंने भी थोड़ी लिमिट ज़्यादा पुश की है और दूसरा है कि ब्रेक भी इस टाइम हल्की सी हार्ड यूज़ फील हो रही है, लेकिन मैंने ब्रेक तो इस्तेमाल की ही नहीं है तो ब्रेक में भी स्नो का एलिमेंट हो सकता है। गाड़ी के सारी नीचे स्नो काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, रिम्स में लगी हुई है, व्हील्स में लगी हुई है। तो मैंने इसको फ़िलहाल L4 पर डाल दिए नीचे उतारने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएँ, रादर देन कि जब तक गाड़ी की मुझे सिचुएशन समझ ना आए कि फॉल्ट कहाँ से है। तो मोड़ के ऊपर तो हम रिस्क नहीं ले सकते कि वहाँ पे अनफोल्ड हो फॉल्ट। तो L4 पे गाड़ी ये देखे ब्रेक मैंने छुड़ी हुई है, सारा कुछ कुछ भी नहीं है, RPM जो है ना डैट इज़ लेस देन 1। और स्टीप स्लो पे नीचे उतराइए आप खाई देखें तो गाड़ी इस तरह आराम आराम से ऐसे जाती है। ऑफ रोडिंग जो है वो लाइक आई ऑलवेज से गेम ऑफ नर्व है, यू डोंट लाइक लूज नर्व एनीवेयर। बेशक आपको किसी जगह थोड़ा सा स्लो होके जाना पड़े लेकिन आप चेक्स अपने पूरे कर लें और सेफ जोन मिले तो खेलें गेम में जैसे मैं पीछे खेल रहा था। तो फिर ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं, कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। काकलेश एग्जिट करते हुए मैंने गाड़ी को दूसरी 5 मिनट की ब्रेक दी टू सी इफ इट मेक्स एनी डिफरेंस या मुझे कोई अपेरेंटली सिग्निफिकेंट चीज़ नजर आए, पर स्टेयरिंग का जवाब ही था। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को स्लो नीचे वापस मेन रोड तक लेकर आया एंड माई फर्स्ट डिसीजन वॉज कि मैं गाड़ी को अच्छी तरह रैम्प पे चढ़ के वॉश कराता हूँ, नीचे से घुस के देखता भी हूँ और सारी स्नो तो सबसे पहले स्नो और मड तो साफ की जाए। आई वॉज वेरी होपफुल कि इससे कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि नीचे से गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड थी। ये देखो बड़ा आप वहाँ जाके दिखाओगे उन्हें ये वीडियो, ये इंटरनेट पे आएगी। जितनी देर गाड़ी वॉश हो रही है पीछे एक पुल है, अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। दरिया का व्यू इस टाइम बहुत प्यारा आ रहा है, पानी चमक रहा है। तो इस पुल के सेंटर में खड़े होके वेट करते हैं, थोड़ा सा और नेचर अब्सॉर्ब करते हैं।
गाड़ी जब धुल छुल गई, लड़के ने बहुत जान मार के बड़े दिल से गाड़ी साफ की, तो प्यारी बहुत लग रही थी, लेकिन गंदी ज्यादा प्यारी लगती है ऑफ कोर्स, पर ऐसे भी अच्छी लग रही थी। टायर भी बड़े चमके हैं लड़के ने, वैसे तो अब गंदी तो होगी, लेकिन सिर्फ वो एक माइंड में टेंशन है कि स्पीड मारते हुए उड़ते हुए जाना था वापस, तो स्टीयरिंग पता नहीं क्या करता है। अपेरेंटली तो एकदम से स्टीयरिंग जो है ना वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया, जैसे सुबह का क्लच जाने से पहले था। नाउ एट दिस पॉइंट मैंने दिल से दोबारा पूछा कि जनाब आप भरे हैं कि नहीं भरे, अगर आप नहीं भी भरे तो कोई मसला नहीं, आप इंतज़ार ही होगा, फिलहाल कोई गड्डी चू नहीं करेगी तो किसी मस्ती अलमू नहीं करेगी। और अच्छे बच्चों की तरह सनसेट देखते हुए खूबसूरत सी ड्राइव इंजॉय की टूटी हुई सड़क के ऊपर। सड़क के बारे में मैं आपको बताना भूल गया था, जो कि एक्सप्रेस वे बन रही है बिटवीन गिलगित एंड चित्राल, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इसके थ्रेट्स और डाउनसाइड अपनी जगह पे, लेकिन जीबी और चित्राल के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत खूबसूरत शक्ल निकल के आ जाएगी जब ये इस एक्सप्रेस वे के थ्रू कनेक्ट कर जाएंगे। टूरिस्ट ही यहाँ पे आके सिर्फ गंद मचाएगा, यहाँ के दोनों इलाकों के अपने लोग मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर शऊर रखने वाले और समाजी तौर पर बहुत कंपोज्ड लोग हैं। एंड आई रियली विश कि जो भी रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हैं पाकिस्तान में वो चित्राल में आके ज़रूर अपनी ज़िंदगी इंजॉय करें। दिस प्लेस हैज़ अ ग्रेट वैल्यू टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ सोशल मेंटल एंड फिजिकल पीस, पीस सकून, नथिंग इररेलेवेंट। चित्राल में ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए मेरा ये पॉइंट है, और इस जगह के ऊपर आप बिला तकल्लुफ आके यहाँ से अपनी मर्जी के तसल्ली से इत्मीनान से ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं। नियाज भाई को आपने आके बताना है कि अब्दुल वहाब भाई की वीडियो में देखा था, तो वो आपको जो है ना अच्छा प्रोटोकॉल देंगे। चित्राल सिटी एग्जिट करने के बाद मैंने द्रोश में स्टॉप मारा कि यहाँ से एक अच्छी सी टिकाऊ सी चाय पी लूँ, इसके बाद आगे बिल्कुल लॉन्ग हॉल फ्लाइट वाला जेन बना के बैठूँ। तो मिलते हैं फिर अगली अपडेट के साथ अगले व्लॉग में।